आईजी की बेटी के सुसाइड के मामले में एक नया तथ्य सामने आया है। आत्महत्या से पहले उसने 2 दिनों से कई अपार्टमेंटों का रेकी किया था। रेकी करने के बाद आज उसने उदयगिरी अपार्टमेंट को तय किया और यहां से सुबह आने के बाद छलांग लगा दी। बताते चले कि आईजी रिटायर्ड उदय शंकर सुधांशु रंजन पटेल नगर में रहते हैं, लेकिन वो आज सुबह अपने उदयगिरी अपार्टमेंट कोतवाली थाना के पास स्थित में आई और वहां से छलांग लगा दी है। किशनगंज के डीएम से सोमवार की ही शादी तय होने के बाद तिलक उत्सव का कार्यक्रम हुआ था। कल इनकी बारात आनी थी। ड्राइवर से पूछने पे ये बात सामने आई है कि कई अपार्टमेंट्स की उन्होंने रेकी की है इससे पहले भी कुछ दिन, और वो एक जो स्टूल है वो लेके जाती थी, और आज यहाँ पे ये घटना हुई है करीब 8 से 9 बजे 8 बजे के आसपास। तो उसके बाद FSL की टीम भी जांच कर रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आएगी, और प्रथम दृष्टि सुसाइड का मामला लगता है। मोबाइल भी एक सीज किया गया है और जो भी अनुसंधान होगा वो तो आगे। क्या IG साहब से कोई बात हुई है, क्योंकि कल ही उनका वो तिलक हुआ है, कल उनकी शादी होनी थी, किशनगंज के DM साहब से जो जानकारी मिल रही है, तो क्या वो शादी से खुश नहीं थी या इस तरह का कोई मामला की कोई पारिवारिक वजह? इस तरह का अभी कोई मामला सामने नहीं आया है अभी, क्योंकि फादर हैं और पेरेंट्स शॉक में हैं, तो ये राइट स्टेज नहीं है कि उनसे पूछताछ की जा सके। ना मत बोलो यार, आई एम नॉट इवन एन अथॉरिटी हियर, व्हाई आर यू आस्किंग मी? आई एम नॉट इवन एन अथॉरिटी। आपको पता है किसी भी राह चलते आदमी के ऊपर हाथ ऐसे क्यों लगा रहे? आई एम जस्ट राह चलता हुआ आदमी है, अजीब हालत है। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो।